हेलो एवरीवन, मैं किशन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं हमारी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज है उसको कंटिन्यू रखते हुए उसका अगला टॉपिक है नाभिक एवं नाभिकीय अभिक्रियाएं। दोस्तों, अब हमारी जो सीरीज चलेगी इसके तीन चार वीडियो में अपने नाभिक एवं जो नाभिकीय रिएक्शन होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं होते हैं, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो दोस्तों वो क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगा। आज हमारा होगा इसका पार्ट नंबर वन। इसके अंदर शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से, देखते हैं हमारा नाभिक एवं नाभिकीय रिएक्शन का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नाभिक के परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। दोस्तों, आपको क्या बताना है इसके अंदर, दोस्तों हमारा जो न्यूक्लियर होता है यानी नाभिक होता है इसके अंदर बताना कि कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। दोस्तों हमेशा याद रखना, हमारा कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक पाया जाता है और इस नाभिक के अंदर दोस्तों जो कण पाए जाते हैं वो पाए जाने वाले हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और बल्कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों वह इस यानी नाभिक के चारों ओर वर्ती यानी पथ पर गति करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए नाभिक में कण मिलाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि आपके पास कोई एक नाभिक है, मान लेते हैं हमारा जेड एक्स ए है। दोस्तों, इसके अंदर आपको बताना कि कौन से कण मिला दिए जाएँ जिससे कि इसके जो दोस्तों रासायनिक गुण है वो हमारे अपरिवर्तित रहे, यानी नो चेंज रहें। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, हमारे दोस्तों रासायनिक गुण होते हैं वो निर्भर करते हैं परमाणु क्रमांक पर, यानी दोस्तों जैसे ही जेड का मान हमारा चेंज हो जाएगा हमारे रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाएंगे। यदि दोस्तों हमारा ए का मान यदि चेंज हो जाता है तो इस पर यानी दोस्तों हमारी भौतिक अवस्था ही यानी भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन रासायनिक गुणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोस्तों हमारे जो नाभिक समस्थानिक होते हैं वो उनके सभी के रासायनिक गुण हमारे सेम होते हैं। और दोस्तों यदि अपन न्यूट्रॉनों की संख्या यदि अपन मिलाते हैं तो हमारा केवल ए का मान बढ़ेगा, यानी कि जेड का मान नहीं बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों हमारा कोई भी नाभिक है मान लेते हैं जेड एक्स ए है, यदि इसके अंदर दोस्तों अपन एन यानी न्यूट्रॉन मिला देते हैं तो हमारा द्रव्यमान संख्या दोस्तों उसी का मान बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों परमाणु क्रमांक का मान हमारा तब तक नहीं चेंज होता तब तक इसके अंदर प्रोटॉन नहीं मिलाते हैं। तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखने के लिए दोस्तों इसके अंदर जो नाभिक में जो कण होते हैं वो अपन यानी न्यूट्रॉन इसके अंदर मिला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों हमें क्या बताना कि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज आपको बताना है कौन से वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जेम्स चैडविक ने। दोस्तों इसके लिए ट्रिक मैं आपको बताते हूँ, आप एक ट्रिक याद रखना, ईंट पर नाच, यानी ईंट पर नाच। तो यहाँ से दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं जो न्यूट्रॉन है इन तीनों के यानी वैज्ञानिक याद रख सकते हैं, यानी दोस्तों ईंट यानी इसके साथ आ रहा है तो मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी यानी टॉमसन ने, और दोस्तों यानी पैक के साथ आ रहा है यानी पर, तो यानी दोस्तों हमारा जो प्रोटोन है उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, और दोस्तों नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज की थी यानी चैडविक ने। तो इस प्रकार से दोस्तों इस ट्रिक से आप इन तीनों के वैज्ञानिक याद रख सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों हमारा जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इलेक्ट्रॉन की खोज की टॉमसन ने और हमारा जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो याद रखना ईंट पर नाच। अब देखते हैं आपके लिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन पर यदि अपन नजर डालते हैं तो इसके अंदर क्या दिया हुआ कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदैव परमाणु संख्या से कम होती है, सदैव परमाणु संख्या से अधिक होती है, सदैव परमाणु संख्या के समान होती है, या कभी परमाणु संख्या से अधिक या कभी परमाणु संख्या के समान होती है। दोस्तों आपको क्या दिया कि कोई भी हमारा नाभिक है ये हमारे दोस्तों इसकी परमाणु संख्या होती है और ये हमारा इसके ऊपर यानी द्रव्यमान संख्या होता है यानी मास नंबर। तो आपको बताना कि इन दोनों के अंदर जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है, इसका मान जेड का मान इससे अधिक होता है, इसके बराबर होता है या कम होता है या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना जो हमारे यहाँ पर दोस्तों जेड होता है ये होती है इसके अंदर प्रोटोनों की संख्या, और दोस्तों ऊपर ए होता है ये हमारी प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग होता है, यानी टोटल न्यूक्लियंस होते हैं यानी टोटल द्रव्यमान होता है यहाँ पर। तो यहाँ अपन देखते हैं कि यदि दोस्तों कोई नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या का मान जीरो रहता है यानी न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारे द्रव्यमान संख्या एवं हमारे जो परमाणु क्रमांक है यानी परमाणु संख्या दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर भी प्रोटोनों की संख्या है यहां पर भी प्रोटोनों की संख्या। यदि दोस्तों इसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन शामिल होते हैं तो दोस्तों हमारा ए का मान अधिक हो जाएगा जेड से। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों द्रव्यमान संख्या है या तो जेड के बराबर हो सकती है या जेड से अधिक हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कभी परमाणु संख्या से
अधिक होती है और कभी समान होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि 1 किलो द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा लगभग होती है, यानी दोस्तों हमारा तो आपको बताना कि 1 kg द्रव्यमान है इनसे हमें कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है वो आपको बतानी है। दोस्तों याद रखना हमारा जो आइंस्टीन वैज्ञानिक है उन्होंने एक यानी संबंध बताया था द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, उसने क्या कहा था कि दोस्तों हमारा कोई 1 m द्रव्यमान है यदि यह एनर्जी में चेंज होता है तो दोस्तों इसे कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है, वो एनर्जी उत्पन्न होती है हमारी E=mc², यानी दोस्तों हमारा कोई 1 m द्रव्यमान है यदि यह एनर्जी में चेंज हो जाता है तो हमें इसे इतनी एनर्जी प्राप्त होती है। यदि दोस्तों मैं एक द्रव्यमान के लिए पूछा गया है तो एक द्रव्यमान के लिए जो एनर्जी हो जाएगी अपन ये 1 m का मान 1 रख देंगे और इसी का मान जानते हैं 3 × 10^8 होता है और इसका कर देंगे अपने स्क्वायर, तो इसको यदि दोस्तों अपन आगे प्राप्त करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9 × 10^16। दोस्तों 9 को लगभग अपन 10 भी मान सकते हैं, यानी ये लगभग हमें पूछा गया है, तो यदि अपन 9 को यदि 10 कर देते हैं तो दोस्तों ये मारो जाता है 10^17 क्योंकि 16 ये है और 1 रही। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान है यदि इसे प्राप्त एनर्जी होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी 10^17 जूल, तो आपका इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी 10^17। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो 6वां क्वेश्चन है इस पर यदि नज़र डालते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके तुल्य होती है। दोस्तों आपको बताना है हमारा कोई नाभिक होता है उसकी जो बंधन ऊर्जा होती है, दोस्तों बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी दोस्तों हमारे कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स है यानी प्रोटोन एवं यानी कोई भी दो प्रोटोन है यदि दोस्तों ये दोनों मिल जाते हैं यानी ये दोनों प्रोटोन मिल गए तो इनको मिलाने में दोस्तों कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही बोलते हैं अपन बंधन ऊर्जा। और दोस्तों ये किसके बराबर होती है, ये होती है नाभिक के द्रव्यमान क्षति के बराबर, क्योंकि दोस्तों जो दोनों न्यूक्लियॉन होते हैं दोनों हमारे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं उनका यदि अपन द्रव्यमान अलग अलग है दोस्तों अपन नोट करते हैं और फिर इन दोनों को युग्म होने के बाद अपन द्रव्यमान नोट करते हैं तो दोस्तों इसका द्रव्यमान है वो इन दोनों से कुछ कम पाया जाता है, यानी दोस्तों इसकी द्रव्यमान में कमी हुई है, द्रव्यमान में क्षति हुई है। दोस्तों वह क्षति कहाँ पर गई, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आइंस्टीन है उसके अनुसार तो हमारा यदि m द्रव्यमान यदि एनर्जी में चेंज होता है तो हमारा mc² एनर्जी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि दो पिंड यानी दो हमारे प्रोटोन और न्यूट्रॉन है ये दो दोनों सम्मिलित होते हैं यानी मिल जाते हैं तो इन दोनों के द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है, वो यानी दोस्तों द्रव्यमान में कमी कहाँ चली जाती है, वह द्रव्यमान में जो कमी हुई है वो हमारी एनर्जी में चेंज हो जाती है और वही एनर्जी इसको युग्म यानी इसको यानी बनाने में काम में ली जाती है। तो दोस्तों वही हमारे द्रव्यमान यानी बंधन ऊर्जा जाएगी, तो हमारे दोस्तों जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है वो एक प्रकार से नाभिक की जो द्रव्यमान क्षति होती है उसके तुल्य होती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि दो न्यूक्लियॉन्स है यदि यह सम्मिलित होते हैं तो इसके द्रव्यमान में कुछ कमी होती है, मान लेते हैं कि डेल्टा m हमारा कम प्राप्त हुआ है तो दोस्तों जो हमारी एनर्जी है इसे कितनी प्राप्त हो जाएगी, हमारी डेल्टा mc² हो जाएगी और यही एनर्जी दोस्तों हमारी क्या होती है कि इसको बनाने में काम में ली जाती है यानी यही हमारी नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। तो याद रखना हमारी जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान क्षति के तुल्य होती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि नाभिक में से किसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के निकटतम होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो पॉजिट्रॉन होता है वो क्या होता है, बीटा प्लस होता है, तो यह किसके निकटतम होता है। दोस्तों याद रखना जो बीटा प्लस होता है इसके अंदर दोस्तों इसका जो द्रव्यमान होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और दोस्तों इसका जो आवेश होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन इसका पॉजिटिव होता है। अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश नेगेटिव पाया जाता है, नेगेटिव का होता है 1.6 × 10^-19, लेकिन जो पॉजिट्रॉन होता है दोस्तों उस पर भी इतना ही आवेश पाया जाता है लेकिन यानी प्लस पाया जाता है, इसीलिए इसको अपन बीटा प्लस लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस लिखते हैं। तो याद रखना जो बीटा यानी पॉजिट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन के निकटतम यानी कण होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है क्योंकि यानी जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 8th क्वेश्चन है दोस्तों जो 8वां क्वेश्चन है इसमें यदि आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि नाभिक के आकार की साइज की कोटि होती है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि दोस्तों हमारा कोई भी नाभिक है उसके आकार की जो साइज होती है इसकी रेडियस बतानी है कितनी होती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना हमारा जो परमाणु होता है एटम होता है उसकी जो साइज आपको पूछी जाए तो इसकी तो साइज होती है 10^-10 m और दोस्तों हमारा जो नाभिक होता है बीच में इसकी जो साइज होती है इसकी साइज होती है हमारी 10^-15 m। इन दोनों को दोस्तों नोट कर लेना यदि दोस्तों क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारे जो नाभिक के बल होते हैं उनकी परास कितनी होती है, यानी दोस्तों जितना आकार हमारा नाभिक होता है यानी क्योंकि नाभिक के अंदर ही हमारा नाभिक के बल लगता है तो नाभिक के बल की परास होती है वो भी दोस्तों हमारे 10^-15 m ही होती है। तो यहाँ से इसका जो
राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके 10^-15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखना जो नाभिक होता है उसके जो आकार की साइज होती है 10^-15 मीटर। और दोस्तों आपका जो हमारा पूरा परमाणु होता है, एटम होता है, उसकी साइज होती है 10^-10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 10^-15 मीटर। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका 9th क्वेश्चन है उस पर क्या दिया हुआ कि नाभिकीय बल प्रभावी होने के लिए दूरी की कोटि होती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यानी कि दो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो हमारे नाभिकीय बल होते हैं उनकी जो हमारी प्रभावी कोटि होती है यानी दूरी की कोटि कितनी होती है, यानी ये दूरी कितनी है, दूरी तक लागू होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो हमारा नाभिक आकार होता है वो इसकी जो रेडियस होती है वो 10^-15 मीटर होती है। तो इसके कारण दोस्तों यह इन्हीं यानी परास इन्हीं दूरी की परास में यह यानी प्रभावी होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 10^-15 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने पर अपन देखते हैं 10th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ कि किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारा कोई भी एक परमाणु है उसकी दोस्तों हमारी जो प्रति न्यूक्लियन यानी औसत बंधन ऊर्जा होती है वो लगभग होती है। दोस्तों याद रखना हमारी जो प्रति न्यूक्लियन औसत ऊर्जा होती है वो हमेशा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाली, 8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। एंड दोस्तों कोई भी हमारा परमाणु है यदि इसके अपन को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब यह है कि दोस्तों इसको बनाने में जितनी एनर्जी उत्पन्न होती है उसको यदि प्रति न्यूक्लियन यानी एक न्यूक्लियन पर निकाली जाए वो हमारी प्रति न्यूक्लियन हो जाएगी। यानी दोस्तों बंधन हमारी ऊर्जा जितनी होती है उसके अंदर अपन इसके जो द्रव्यमान संख्या ए होती है यानी ए से यदि इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल जाती है। और दोस्तों इसकी जो हमेशा याद रखना इसका जो मान होता है वो हमेशा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होता है। जैसे कि यदि हमारा एक एएमयू को अपन चेंज करते हैं तो हमारा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट प्राप्त होता है। तो याद रखना दोस्तों ये मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपका 11th का क्वेश्चन, जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि नाभिक की बंधन ऊर्जा है। दोस्तों आपको बताना है हमारा जो नाभिक होता है उसकी हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है यानी बंधन ऊर्जा होती है वो आपको बतानी है किसके इक्वल होती है। नाभिक को बनाने में दी गई ऊर्जा या नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान जिसे ऊर्जा यानी मात्रक दर्शाया जाता है या नाभिक को बनाने में हुई ऊर्जा की हानि या न्यूक्लियन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो अपन यदि नाभिक को बनाते हैं तो उसके अंदर दोस्तों जितनी ऊर्जा की हानि होती है उसी को अपन नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे को जो न्यूक्लियन है उसकी दोस्तों एनर्जी मान लेते हैं यानी दोस्तों इसका जो मास है वो हमारा एम है। तो दोस्तों इसका जो मास है हमें इसका दोनों को सम्मिलित करने पर वो हमें डेल्टा यानी स्मॉल एम प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का अंतर होता है वो डेल्टा एम होता है। तो दोस्तों जितने द्रव्यमान की हानि हुई है या अपन बोल सकते हैं यानी दोस्तों ये एनर्जी का ही रूप होता है एक, तो जितनी एनर्जी की जो हानि हुई है वही हमारी बंधन ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा नाभिक को बनाने में हुई हानि होती है वही हमारी बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 12th का क्वेश्चन है, दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि निम्न में से कौन से युग्म संभारिक है। दोस्तों आपको यानी कि दो युग्म दिए हुए हैं नाभिकों के, आपको बताने ऐसे कौन से यानी दो नाभिकों का युग्म है जो संभारिक हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो नाभिक है उसको अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं, यहाँ पर दोस्तों नीचे होता है हमारी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक और ऊपर होती है द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों यदि हमारी जो द्रव्यमान संख्या इसे ही अपन यानी भार को अपन दर्शाते हैं तो जिन यानी नाभिकों की दोस्तों ए का मान समान होगा यानी कि उनका यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएंगे यानी दोस्तों वह संभारिक हो जाएंगे यानी दोनों का जो भार होगा वो समान हो जाएगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ पर 1-2 अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पर 2-3 दिया हुआ है ये भी अलग अलग है, यहाँ पर 12-13 ये भी अलग अलग है। लेकिन दोस्तों डी वाले ऑप्शन में आपको इसका भी यानी द्रव्यमान संख्या 30 दिया हुआ है, इसका भी द्रव्यमान संख्या 30 दिया हुआ है। तो इसके कारण ये दोनों नाभिक हो जाएंगे वो हमारे कितने क्या हो जाएंगे समभारिक हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 AMU बराबर द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य होता है। इस क्वेश्चन में बताना कि दोस्तों हमारा जो 1 AMU हमारा द्रव्यमान होता है यदि यह एनर्जी में चेंज होता है तो आपको बताना कि यह इसकी जो एनर्जी किसके तुल्य होती है। दोस्तों इसका मान आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, यदि हमारा 1 AMU हमारा द्रव्यमान है यदि इसको अपन एनर्जी में चेंज करते हैं तो इसकी जो एनर्जी में प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यदि आप ये समझ सोच रहे हैं AMU क्या है, दोस्तों हमारा जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक है केजी, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो
हमारे जो नाभिक होते हैं उनके द्रव्यमान दोस्तों यदि अपन केजी में निकालते हैं तो हमें बहुत यानी छोटे प्राप्त होते हैं, हमें 10 की पावर लगानी पड़ती है, 10 की पावर -27, 31 रही। तो इनको क्या करते हैं कि इसका जो मात्रक है यानी बहुत छोटा मात्रक होता है AMU, इसके अंदर चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों इसका जो मान क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो बार यानी सिक्स यानी सी बार यानी दोस्तों कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है इसका यदि अपन 12वां हिस्सा प्राप्त करते हैं वो हमारा 1 AMU के बराबर होता है। यानी इसका जितना द्रव्यमान होता है उसका यदि अपन 12 टुकड़े कर लेते हैं तो इसका जो एक टुकड़ा हमें प्राप्त होता है वही हमारा 1 AMU के बराबर होता है। तो याद रखना दोस्तों यदि 1 AMU द्रव्यमान को यदि अपन एनर्जी में चेंज करते हैं तो एनर्जी हमें कितनी प्राप्त होती है, 931 MeV प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। जो 14 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ कि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। दोस्तों आपको बताना हमारा कोई भी एक नाभिक है इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो ए वाली या आपको बतानी किसके बराबर होती है, उसमें अंतर्विष्ट इलेक्ट्रॉनों के, अंतर्विष्ट प्रोटोनों के, या अंतर्विष्ट न्यूट्रॉनों के, या अंतर्विष्ट न्यूक्लियनों के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारे जो परमाणु क्रमांक होते हैं परमाणु संख्या होती है वो तो इसमें अंतर्विष्ट प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। और दोस्तों हमारे जो द्रव्यमान संख्या होती है वो इसमें प्रोटोन यानी इसमें जो उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन एवं प्रोटोन इन दोनों के यानी संख्या के बराबर होती है। तो दोस्तों इन दोनों को अपन एक साथ यानी न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। यानी दोस्तों नाभिक के अंदर जितने भी यानी कण पाए जाते हैं चाहे वह प्रोटोन हो चाहे न्यूट्रॉन हो उनको एक नाम से अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे नाभिक में जितने भी न्यूक्लियॉन होंगे जितने भी प्रोटोन और न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उसमें अंतर्विष्ट न्यूक्लियॉनों की संख्या के बराबर ही हमारी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि 88 Ra 226 नाभिक में होते हैं। दोस्तों आपको एक नाभिक दिया हुआ है इसके अंदर आपको 88 दिया हुआ है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 226। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा कोई भी एक नाभिक होता है इस प्रकार से ZXA तो इसके अंदर दोस्तों जो जेड होता है ये तो हमारे परमाणु क्रमांक होता है और ये प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। और दोस्तों हमारे जो द्रव्यमान संख्या होती है इसके अंदर दोस्तों ये हमारी प्रोटोन एवं न्यूट्रॉन संख्या के दोनों का योग होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन जान सकते हैं कि जो जेड का मान होगा वो हमारी प्रोटोन के बराबर हो जाएगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पर 88 दिया हुआ है तो इसके अंदर 88 प्रोटोन हो जाएंगे, 88 तो प्रोटोन हो गए। और दोस्तों अपन निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, आपको दिया हुआ है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या का दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 226। यानी दोस्तों मैंने आपको था कि द्रव्यमान संख्या होती है वो इन दोनों का योग होता है। तो P प्लस N का मान होगा 226। अब P का मान अपन रखेंगे यहाँ पर 88 तो दोस्तों N का मान हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 138। यानी 226 में से यदि अपन 88 माइनस करेंगे तो हमारा 138 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो नापिक है इसके अंदर 138 न्यूट्रॉन है और 88 प्रोटॉन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन स्थायी होते हैं या न्यूट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों स्थायी होते हैं या न्यूट्रॉन अस्थायी होते हैं, न तो न्यूट्रॉन और न ही प्रोटॉन स्थायी होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो नाभिक होता है इसके बाहर दोस्तों न्यूट्रॉन होंगे वो हमारे अस्थायी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका दोस्तों जो आयुकाल होता है वो लगभग यानी 900 सेकेंड के यानी 950 या 900 सेकेंड के बीच यानी के लगभग होता है। दोस्तों इतने सेकेंड के बाद में जो कण होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना नाभिक के बाहर क्या होते हैं कि जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों हमारे अस्थायी होते हैं, इनका क्योंकि जो आयुकाल होता है जो इस बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उनका जो मास होता है वो आपको बताना है किसके बराबर होता है। तो दोस्तों याद रखना जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका भी मास होता है 1.6 × 10⁻²⁷। तो याद रखना दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही हमारा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन होता है इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश पाया जाता है और न्यूट्रॉन पर हमारा जो आवेश कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, इस पर जो चार्ज होता है वो शून्य होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन पर का मास होता है वो हमारा प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो 18 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान 6 कहलाता है। दोस्तों आपको क्या होता है ना कि हमारा जो प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान 6 होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो प्रति न्यूक्लियॉन यानी हमारे दोस्तों कोई भी यानी नाभिक है यदि उसका निर्माण हो रहा है तो इसका दोस्तों जो द्रव्यमान
द्रव्यमान में शक्ति होती है डेल्टा एम। यदि इसको अपन प्रति न्यूक्लियो निकालते हैं यानी इसके अंदर द्रव्यमान संख्या का भाग देते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा मान होता है इसको अपन बोलते हैं संकुल गुणांक। तो याद रखना डेल्टा एम अपॉन में जो ए होता है इसको अपन बोलते हैं संकुल गुणांक। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 19वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि नाभिकीय बल होते हैं। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारे नाभिकीय बल होते हैं वो आपको बताना कि लघु पराशी होते हैं, आकर्षी या आवेश पर निर्भर नहीं करते या यह आवेश पर निर्भर करते हैं, यह दीर्घ पराशी एवं प्रतिकर्षी होते हैं लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करते या यह आवेश पर निर्भर करते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना हमारा जो नाभिकीय बल होते हैं वो लघु पराशी होते हैं क्योंकि हमारा दोस्तों जितना आकार नाभिक होता है उससे कि यानी पराश में यह प्रभावी होते हैं यानी केवल 10^-15 मीटर यानी कि दूरी पर यह प्रभावी होते हैं यानी लघु पराशी होते हैं। और दोस्तों हमेशा यह आकर्षी बल होते हैं यानी कि यह दो यानी प्रोटोन के मध्य हमेशा आकर्षण यानी उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों यह आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं यानी चार्ज पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि पाई मिसोन हो सकता है। दोस्तों याद रखना जो हमारा जो मिसोन होता है वो क्या होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा नाभिक होता है उसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, उन पर दोनों पर ही हमारा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो दोस्तों दो पॉजिटिव चार्जों के मध्य तो हमारा प्रतिकर्षण बल होना चाहिए यानी इलेक्ट्रिक बल, लेकिन होता क्या है कि दोस्तों हमारे इनके अंदर मेसोन पाए जाते हैं। दोस्तों मेसोन क्या करते हैं जैसे कि दोस्तों हमारे कोई दो कुत्ते हैं उनके बीच में कोई हड्डी है तो दोस्तों ये जो हमारा कुत्ता है इस हड्डी को अपने मुँह से पकड़ा हुआ है, ये कुत्ता है ये भी अपनी हड्डी से पकड़ा हुआ है। और दोस्तों वैसे ही आप एक दूसरे को दुश्मन है नहीं दोस्तों, इसके अंदर यानी विपरीत यानी बल लगता है। लेकिन जो हड्डी क्या होती है कि दोस्तों इनको बांधे रखती है यानी कि इस हड्डी को ये कुत्ता भी पकड़ा रखा है ये भी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मेसोन होते हैं वो यानी दो प्रोटोनों के मध्य हड्डी का कार्य करते हैं, वैसे दोस्तों दोनों प्रोटोनों के मध्य हमारा प्रतिकर्षण बल पाया जाता है लेकिन जो मेसोन होते हैं वो इन दोनों को बांधे रखते हैं। तो दोस्तों जो मेसोन होते हैं वो याद रखना हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एवं शून्य तीनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना जो मेसोन होते हैं वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं और इनका कार्य क्या होता है। दोस्तों इनका कार्य होता है दो प्रोटोनों के बांधे रखते। दोस्तों हमारे जो दोनों प्रोटोन के मध्य विद्युत बल होता है वो प्रतिकर्षित लगता है लेकिन फिर भी क्या होता है कि दोस्तों जो मेसोन होते हैं उनको यानी एक दूसरे की ओर बांधे रखते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो नाभिकीय बल होता है वो यानी विद्युत बल से अधिक हो जाता है, उसके कारण यह एक दूसरे को बांध देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे जो कुत्ते होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन एक हड्डी को दे दिया, इनके बच्चे में एक हड्डी आ जाएगी तो दोनों ही उस हड्डी को पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार जो हड्डी का कार्य होता है वो भी हमारे मेसोन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। आज के आपके 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको इसको सेकेंड पार्ट के साथ। तो दोस्तों आप तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।